और चलिए अब हम आपको सुनाएंगे सीएम आवास को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो जुबानी जंग जारी है, क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एलजी साहब को समझना होगा कि सीएम आवास में रहने के लिए एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि दिल्ली में चुनाव जीतना होगा। 27 साल से भाजपा दिल्ली में नहीं जीत पा रही और ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि चुनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार की पावर्स छीनी जाएं, उन दिल्ली वालों को परेशान किया जाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के कामों को रोका जाए। और अब इनकी मंशा है कि सीएम आवास भी छीनकर किसी भाजपा नेता को दे दिया जाए। आज भाजपा की मानसिकता, जो महिला विरोधी मानसिकता है, वो फिर से सबके सामने है। एक महिला मुख्यमंत्री का सम्मान उन्होंने नवरात्र के ड्यूरेशन में बाहर कर दिया। सोचिए, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ पहले। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का ये कहना कि वो सरकारी आवास है जिसमें केजरीवाल जी रहते थे और उनका सामान फेंक दिया है, वो एक सिरे से बिल्कुल निराधार आरोप है। और हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता अपने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में झूठ बोलने की मशीन है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा उनको और कुछ नहीं दिखाई देता है। सीधा ये आरोप लगाना कि उनका सामान फेंक दिया, सामान तो उन्होंने जब चाबी दे दी उन्होंने तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि हमने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया है। तो ये बात केवल ये बताती है कि किस कदर दिल्ली की मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है। मैंने उपराज्यपाल से ये मांग की है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट कराया जाना चाहिए और इस बात का पता लगा जाना चाहिए कि किस तरह बर्बादी का खेल अरविंद केजरीवाल ने अपने विलासिता के लिए रचा है। दिल्ली के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा किस बेदर्दी से लुटाया गया है, अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट होने के बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस प्रकार से पैसे की बर्बादी की गई है। और जहाँ तक सवाल है आतिशी का, तो आतिशी झूठ की प्रतिमूर्ति है। उन इससे ज्यादा उनके विषय में यदि कुछ कहें तो झूठ को भी शर्म आ जाएगी। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवाज एक बार फिर से सुर्खियों में है। दिल्ली के सीएम आतिशी के सामान को पीडब्ल्यूडी ने बाहर कर दिया है। सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। देखिए जी मीडिया संवाददाता नीतू झा की ये रिपोर्ट। सिक्स फ्लैग्स स्टाफ रोड पर बना ये सरकारी बंगला एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल ये इस बार फिर से विवादों में तब आया जब सीएम केजरीवाल ने ये घर खाली किया, चाबी पीडब्ल्यूडी को सौंपी, लेकिन आतिशी यहाँ अपना सामान लेकर रहने पहुंच गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने कहा कि इस घर में इन्वेंटरी होगी, उसके बाद ही ये आवास किसी सीएम को दिया जाएगा। हालांकि सीएम उससे पहले ही यहाँ अपना सामान लेकर पहुंची थी, उनका सामान घर से बाहर कर दिया गया। ये आरोप लगाए गए कि अभी तक इन्वेंटरी नहीं हुई है और जब तक इन्वेंटरी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस घर की चाबी किसी को नहीं सौंपी जाएगी। देखिए फिलहाल आपको ये घर बंद नजर आएगा। यहाँ पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल रहा करते थे, 9 साल वो इस आवास में रहे थे। उसके बाद 4 अक्टूबर को उन्होंने इस्तीफा देने के बाद ये घर खाली कर दिया था और चाबी पीडब्ल्यूडी को सौंपी थी। पीडब्ल्यूडी इस मामले में ये कह रही है कि अब तक घर की इन्वेंटरी नहीं हुई है और जब तक ऐसा नहीं होता घर किसी को नहीं सौंपा जाएगा। अब इस मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी एक दूसरे के आमने सामने है। वहीं अगर आप दिल्ली के इतिहास पर गौर करें तो दिल्ली में किसी भी सीएम का सरकारी बंगला तय नहीं होता। जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका एक सरकारी बंगला होता है जहाँ पद मिलने के बाद वो रहने चले जाते हैं। लेकिन दिल्ली में जितने भी मुख्यमंत्री हुए, चाहे शीला दीक्षित हुई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, सब अपनी सहूलियत के हिसाब से एक सरकारी बंगला लेते हैं जो पीडब्ल्यूडी उन्हें अलॉट करती है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी का साफ कहना है कि ये बंगला अलॉट तो होगा लेकिन इन्वेंटरी के बाद। वहीं आम आदमी पार्टी अब इस मामले में अब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि सीएम को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया। दरअसल ये मामला सुर्खियों में तब आया जब आतिशी यहाँ पर अपना सामान लेकर पहुँची और उनका सामान वापस कर दिया गया। खबरें ये भी हैं कि आतिशी कुछ कपड़े लेकर इस घर रहने पहुँची थी लेकिन पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये घर खाली कराया गया है। घर पर अभी ताला लगा दिया गया है। इधर से भी अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि यहीं से सीएम आवास जाने के लिए पहले चेकिंग होती थी लेकिन अभी फिलहाल यहां पर ताला लगा हुआ है। कुछ गार्ड आपको ज़रूर नज़र आएंगे काम करते हुए लेकिन घर पूरी तरह से सील है। इस घर को वापस
कब खोला जाएगा, कैसे ये वापस सीएम को दिया जाएगा, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस बीच एलजी ऑफिस की तरफ से ये बात ज़रूर कही गई है कि ये घर आतिशी को दिया जाता, लेकिन तब दिया जाता जब इसकी इन्वेंटरी पूरी हो जाती, यानी एक प्रोसेस होता है जिसके तहत पीडब्ल्यूडी घर को अलॉट करती है, वो प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ। इस बीच आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने है, ये घर वापस सीएम आतिशी को कब मिलेगा ये बात अभी सामने नहीं आई। क्या आम आदमी पार्टी इसको लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है ये बात भी अभी सामने नहीं आई। लेकिन सीएम का ये आवाज़ जो पहले से भी सुर्खियों में रहा है, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और विवादों में घिर गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ नीतू झा, जी मीडिया दिल्ली। और हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, हम सीधे देवेश का रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। देवेश, बयानबाजी तो खैर पॉलिटिकल जो नेता हैं उनकी होती ही रहेगी, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आती रहेंगी, लेकिन सीएम आतिशी को कब तक अलॉट हो सकता है ये सीएम आवास? अभी फिलहाल ताला लगा हुआ है वहाँ। होगा चीजें किस तरह से जो सामान है आतिशी का, दरअसल सोमवार को आतिशी इसमें शिफ्ट हो गई थी और उसकी तस्वीरें भी आई थी, बकायदा उनका जो सामान है वो घर के अंदर गया था। जो सीएम हाउस में जो कर्मचारी रहते हैं उनके साथ बैठक उन्होंने की थी, तमाम जो स्टाफ रहता है सीएम हाउस में। अब ऐसे में विवाद ये है, दरअसल पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये कहना है कि जो चाबियां हैं वो पीडब्ल्यूडी को नहीं दी गई, यानी कि जो नियम होता है, प्रक्रिया होता है पूरी, वो नहीं निभाई गई अरविंद केजरीवाल द्वारा। ऐसे में अब क्योंकि कल की जो तस्वीरें आएँ, जो सीएम आतिशी का जो सामान था घर के अंदर वो बाहर निकल गया था कल ही, अब ऐसे में विवाद ये है। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि यही घर जो है सीएम आतिशी को अलॉट होगा, लेकिन एक इन्वेंट्री होती है, जब भी कोई सरकारी बंगला खाली होता, कोई मुख्यमंत्री घर खाली करता है, कोई मंत्री खाली करता है, तो उसका पूरा जो है जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की होगी दिल्ली में। अब ऐसे में पीडब्ल्यूडी उसके बाद जैसे ही घर उनको मिल जाता है तो उसकी इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री होने के बाद वो दोबारा आवंटित किया जाता है। दरअसल इसी को लेकर विवाद है और इसी का जिक्र बीजेपी भी करती आई है कि चाबी जो है वो पीडब्ल्यूडी को नहीं दी गई, सीधे चाबी जो है आतिशी के पास पहुंच जाती है और आतिशी उस घर में शिफ्ट हो जाती है, जबकि वो अलॉट आतिशी जो कि दिल्ली की सीएम है उनको हुआ ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक घर जो है, जब मंत्री थी दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो AB 17 मथुरा रोड ये घर उनको पहले से अलॉट है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आखिरकार दो घर कैसे एक ही शख्स को अलॉट हो सकते हैं। ये जरूर है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इससे पहले उनको एक घर जो है ऑलरेडी अलॉट है, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है जो सोर्सेस है कि यही घर जो है आतिशी को आवंटित किया जाएगा, लेकिन पूरी जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उनके बाद ही आतिशी को ये घर दिया जाएगा। कल की जो तस्वीरें आई, जो आतिशी का सामान था, 6 फ्लैग स्टाफ सिविल लाइन्स स्थित जो सीएम आवास है उससे निकाल दिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है। अब ऐसे में एक प्रक्रिया होगी, पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, उन्होंने घर को कब्जे में ले लिया है, डबल लॉक अंदर से लगा दिया गया है, उसके बाद उसकी इन्वेंट्री होगी, इन्वेंट्री होने के बाद जो है वो बंगला जो है आवंटित आतिशी को ही किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर आम आदमी पार्टी भी मुखर है और सवाल उठा रही है कि आखिरकार एक सीएम का सामान बाहर निकाल दिया जाता है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री के जो सामान है सीएम आवास से बाहर निकाला गया। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी कई सवाल उठाए, उन्होंने एलजी को निशाने पर लिया, उन्होंने कहा कि जब एलजी राजनिवास पहुंचे थे, क्या जो पुराने एलजी थे उन्होंने उसकी चाबी या पीडब्ल्यूडी की को दी थी? किस तरह की ये प्रक्रिया है? इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में इसको लेकर बीजेपी तो पहले से ही आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है, आम आदमी पार्टी भी कई सवाल जो है एलजी बीजेपी पर दाग रही है। बिल्कुल देवेश, क्योंकि इससे एक संदेश जाता है, वो सीएम है इस प्रदेश की मुखिया है आतिशी, अभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो, इस तरह से उनके सामान को उनके आवास से बाहर निकालना, फिर उस पर सियासत होना, प्रदेश की जनता में वो मैसेज नहीं ठीक जाएगा।
एक तरह से देखा जाए तो। उस पर फिर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी किसी दूसरे नेता को ये आवास अलॉट करना चाहती है, इस वजह से ये साजिश की जा रही है। इज इट इवन पॉसिबल? पॉसिबल भी है ये तो सीएम आवास से मिलेगा तो सीएम को ही अलॉट होगा या किसी और नेता को भी हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि बीजेपी के किसी बड़े नेता को बीजेपी चाहती है ये आवास जो है अलॉट हो जाए। लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से खबर है एलजी के सोर्सेस से, वो यही है कि यही आवास जो है सीएम आतिशी को अलॉट किया जाएगा। लेकिन जो प्रक्रिया होती है एक, उसके तहत ही ये आवंटित होगा, क्योंकि ऑलरेडी आतिशी को एक जो बंगला है वो आवंटित है जब वो कैबिनेट मंत्री हुआ करती थी। अब ऐसे में एक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, जो चाबी है, जो कब्जा लेना होता है, अगर कोई भी घर खाली होता है दरअसल, तो उसके बाद जो है उसकी घर की जो जिम्मेदारी है वो पीडब्ल्यूडी की होगी, मंत्री का घर हो या मुख्यमंत्री का घर हो। फिर एक प्रोसीजर होता है, उस घर की इन्वेंट्री होती है बाकायदा, उसके बाद वो घर अलॉट किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया का जो है बीजेपी भी जिक्र कर रही है, पीडब्ल्यूडी भी इसी बात का जिक्र कर रही है कि आतिशी को ये घर अलॉट हुआ ही नहीं, वो बगैर अलॉटमेंट के ही इस घर में शिफ्ट हो गई। बाकायदा उन्होंने अपना सामान शिफ्ट कर लिया, जो स्टाफ है कर्मचारी हैं सीएम आवास के उनके साथ बैठक कर ली। और साथ ही साथ ये भी सवाल उठाया गया कि अरविंद केजरीवाल ने इस घर की जो है चाबियां वो पीडब्ल्यूडी को नहीं दी गई, तो यही तमाम सवाल है। हालांकि आम आदमी पार्टी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी थोड़ी देर में, तब स्थिति और जो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन बताया यही जा रहा है कि आतिशी को ये घर अलॉट नहीं हुआ था, तो ऐसे में सामान जो है वो बाहर निकाल लिया गया है, आवंटित आतिशी को होगा, लेकिन नियम और प्रक्रिया के तहत ही ये घर आतिशी को दिया जाएगा। घर खाली होता है तो पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी होती है, पीडब्ल्यूडी इन्वेंटरी कराती है पूरे घर की, और उसके बाद ये अलॉट किया जाएगा। जी चलिए ठीक है, अपडेट्स लेते रहेंगे हम आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया देवेश आपका इन सारी जानकारियों के लिए।